गाइज पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से देख लिया था अब इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ाने वाले हैं तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वे पी एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट क्यू डू जीरो क्वेश्चन हमारा है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहां पर p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू जीरो अब देखिए यहां फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 बार तो 0.6 बार का मतलब हुआ कि जो सिक्स के ऊपर बार है वो सिक्स बार 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 रिपीट होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा और रिपीटिंग पैटर्न दे रहा है तो दैट मीन इसको हमने इन जनरल लिख दिया ठीक अब इसके बाद सबसे पहले इस पार्ट को हम एक्स मान लेते हैं ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स 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 और ऐसा और इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया इसको करने से फायदा यह हुआ कि अब हम आगे जो भी मेरा टारगेट है जो भी मुझे उसके अंदर प्रोसीजर लगानी है उसमें जब मैंने x मान लिया तो अब उसमें प्रोसीजर लगाना मेरे लिए आसान हो जाएगा अब देखिए यह जैसे हमने देख लिया अब मेरा टारगेट क्या है कि इस वाले जो पैटर्न था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको मुझे p/q के फॉर्म में लिखना है अब p/q के फॉर्म में लिखने के लिए अब सबसे पहले ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है इसका पैटर्न क्या है तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद तो केवल सिंगल डिजिट है 6 जो बार-बार बार-बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहला काम हमारा यह होता है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट या नंबर्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो भी होगा वो रिपीट हो रहा होगा उसको सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो पहले सिक्स को मुझे क्या करना है लेफ्ट साइड लाना है तो इसके लिए मुझे टेन से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड और जब आप राइट साइड टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर रूल है आपको लेफ्ट साइड भी टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसी पूरी बात को हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय टेन वी गेट जैसे हमने दोनों तरफ क्योंकि मैथमेटिक्स में दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स है तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंप्लाइज लिख लीजिए क्योंकि क्योंकि आपने टेन से मल्टीप्लाई किया है तो एक डिजिट आपको लेफ्ट साइड आ जाएगा और फिर ये सेम ही रहेगा यहां पर फोर सिक्स था एक सिक्स को हम इधर ले आए तो वैसे रूल कहता है कि तीन बचेगा लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर देख रहे हैं पैटर्न सेम है यहां पर फिर से सिक्स 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 आता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो सिक्स बहुत बार आ रहा है जो कि मुझे भी नहीं पता कितनी बार आ रहा है वो चलता जा रहा है तो इसीलिए हमने आगे सेम नंबर्स को रखने के लिए और ताकि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने सेम नंबर ऑफ सिक्स रखा और इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड अब हमारा काम नाइनटी परसेंट कंप्लीट हो गया देखिए अब जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए ये जो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है ना सबको मुझे गायब करना है और इसीलिए हमने ये प्रोसीजर लगाया था और अब जैसे हमने ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकेंड ले आए अब हम क्या करना है इसको सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो जब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से माइनस होगा Right side, right side से minus होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10x minus x, is equal to जब ये minus होगा, अभी एक बार लिख देते हैं ताकि आपको ना हो, ठीक? डॉट 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 ये माइनस हो गया देखिए ये वाला पार्ट दोनों ही सेम है तो डेसिमल वाला पार्ट पूरा पूरा गायब तो केवल यहां इंटेग्रल पार्ट बच जाएगा सिक्स और इधर तो नॉर्मल है टेन एक्स माइनस एक्स तो ये हो जाएगा नाइन एक्स अब से एक्स लेंगे तो कितना होगा सिक्स अपॉन नाइन और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा और और यही 2 upon 3 X है और X किसको हमने माना था इसको और ये ये फाइनली था तो ये इसको आखिरी में ये ऐसा लिख देते हैं ये हमारा फाइनल रिजल्ट देर फॉर जीरो कर लीजिए क्या ये पी के फॉर्म में है बिल्कुल है इंटीजर्स है बिल्कुल है और नीचे थ्री है जो कि क्यू के जगह पर है और क्यू डी वेरीफाई हो गया तो इस तरह से आपने देख लिया कि कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये तो आपने एक क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो अब मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पास दो पार्ट है उन दोनों पार्ट को जब करूंगा तो आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी तो चलिए अभी हम सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट है जीरो पॉइंट फोर सेवन लेकिन इस बार बाहर है किसके ऊपर के ऊपर अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है क्यों ना हो क्वेश्चन भी अलग है तो आपको प्रैक्टिस भी तो सारे टाइप के क्वेश्चन को करवाना है इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने अभी लिया है और यह आपके एनसीआर का ही सेकेंड पार्ट है इसको जब इन जनरल लिखेंगे आप तो फोर तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि बार तो सेवन के ऊपर है जो रूल है मैथमेटिक्स का तो इस तरह से हम करेंगे अब देखिए फिर से वही बात लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 डॉट 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 और यहां पर हमने इक्वेशन वन मान लिया इक्वेशन वन मान लिया ना इसी के जैसा तो किया है तो उसमें हम अलग क्या किए कुछ भी नहीं किए अब लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा आपको दो परसेंट ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें कि अब मैं फोर का क्या करूं अगर फोर जब तक रहेगा तब तक मैं ऐसा तो प्रोसीजर लगा नहीं सकता तो कोई बात नहीं है आपके समझ में तो यह आया होगा कि फोर बिट इसमें ऑड है तो उस फोर को सबसे पहले मुझे लेफ्ट साइड लाना है तो इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे फिर से वही टेन से मल्टीप्लाई करने से एक डिजिट पीछे आ जाता है लेफ्ट साइड आ जाता है तो इस बार मेरा टारगेट है फोर को लेफ्ट साइड लाना क्योंकि जब तक फोर को लेफ्ट साइड नहीं लाएंगे तब तक ये प्रोसीजर पूरा पूरा लगेगा नहीं तो यहां पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ दाइड्स बाय टेन वी गेट यह हो जाएगा टेन एक्स फोर पॉइंट सेवन 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 और यह ये, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड मेरा तो मन यही कर रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड जैसे आ गया माइनस कर दे लेकिन एक बार माइनस करने से देखिए होगा क्या डेसिमल के बाद यहां सेवन सेवन है और यहां का तो फोर सेवन है जब आप माइनस करेंगे तो वो कंप्लीटली गायब नहीं होगा डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ रह जाएगा तो इसीलिए मुझे एक और स्टेप इसमें करना है और ये स्टेप करना है कि अब अगर मैं एक बार और टेन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये सेवन भी इधर आ जाएगा तो जब ये सेवन इधर आ जाएगा तब और ये वाले नंबर दोनों ही का जो राइट साइड है वो सेम हो जाएगा तो करते हैं एगेन क्या करेंगे यहां एगेन मल्टीप्लाइंग बाय टेन बोथ दी साइड्स लिख लीजिए दी साइड्स तो क्या होगा इसके अंदर कर रहे हैं किस में टू इक्वेशन सेकेंड सेकेंड में ठीक है देखते जाइए जैसे सेकेंड इक्वेशन में या आप इक्वेशन लिख सकते हैं तो जैसे ही हम इसमें सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सी है और जब 10 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हंड्रेड एक्स और पॉइंट सेवन 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 फिर से हम देखिए फिर से हमने फोर टाइम्स सेवन लिख लिया ऑब्वियसली फोर टाइम्स फोर लिखने से ये फोर टाइम्स सेवन लिखने से क्या होगा जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कैंसिल करने में आसानी रहेगी अब मैं एक बार देखें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें सेकंड एंड थर्ड अभी सर इसको भूल जाइए अब इसको मैं यहां पर क्रॉस लगा देता हूं क्योंकि इसके अंदर डेसिमल के बाद जो है फोर है और ये हिस्से कैंसिल नहीं होता तो अब जो हमारा टारगेट पहले से सेट है जो हमने आपको पीछे बताया था कि जब भी मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि डेसिमल के बाद सिमिलर फॉर्मेट बनाकर और उसको फिर माइनस कर दें। तो ये हमारा सिमिलर फॉर्मेट बन गया। देखिए डेसिमल छोड़ दिया तो ये हो गया हंड्रेड एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू अब इस बार आपको पता ही है, ये वाला पुरा -पुरा सेम है। तो केवल यहां पर, पर माइनस करेंगे तो नाइनटी एक्स और यहां हो गया फोर्टी थ्री तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया फोर्टी थ्री अपॉन्ट नाइन और इसको आप जानते ही हैं कि ये किसके बदले आया है तो, ये, तो, ये तो देखिए बस इसमें जितना एक्स्ट्रा कंसेप्ट था वो भी हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए और इसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको मैंने कर दिया तो मुझे लग रहा है कि इसको करने के बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे अब चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद क्या थर्ड पार्ट में हम कंफर्टेबल हो पाते हैं तो हमारा इसका थर्ड पार्ट है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और इस बार, इस बार इस बार ऐसा है देखिए जीरो के ऊपर बार है आपको पता है जब इन जनरलाइज करेंगे तो कैसा होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो मन करे तो आप आगे भी लिख लीजिए नहीं तो इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आगे जगह नहीं है अब इसको जैसे हमने पीछे किया था वैसे करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो वन और यहां करके हमने इसको इक्वेशन वन मान लिया आप बताइए देखिए ये वाले रिपीट हो रहा है इस बार तीन का ग्रुप है जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन तो अब मैं केवल अकेले जीरो को नहीं ला सकता इधर न इस जीरो को ला सकता हूं जब भी मुझे लेफ्ट साइड लाना होगा तो ये पूरा ग्रुप आता है ये बात हमेशा याद रखिएगा तो अब इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग क्लियर हो गया होगा टारगेट सेट है कि मुझे इन तीनों डिजिट को लाना है तो एक डिजिट को लाना होता है। तो टेन से मल्टीप्लाई दो डिजिट को हंड्रेड से अस्सी मिटल जब तीन डिजिट वाले हो तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय थाउजेंड वी गेट जैसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू यह हो जाएगा वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन डॉट 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 और ये हो गया हमारा सेकेंड यहां तक क्लियर है पूरा ओके अब मैं क्या करूंगा अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है केवल इसमें कंसेप्ट था जो आपको समझाना हमने फर्स्ट एंड पार्ट से समझा दिया अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहां में से फर्स्ट पार्ट को माइनस कर देंगे और जैसे माइनस करेंगे तो क्या होगा यहां थाउजेंड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू अब यहां तो पता ही है ये देखिए ये वाले पार्ट और ये आगे का जो भी पार्ट है आप चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं यहां जीरो जीरो वन और ऐसे तो क्या हो गया देख लीजिए यहां तक सेम ये वाला और ये वाला तो सारे के सारे डेसिमल वाले टर्म्स क्या है आइडेंटिकल है तो ये गायब हो गया केवल वन बच गया तो यहां से ये कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन 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 और फाइनली मुझे ये बात पता है कि देर फोर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का ऊपर बार होगा तो ये कितना हो जाएगा ये अब बात यहां तक क्लियर है तो मैं एकदम उम्मीद करता हूं कि जितना अच्छी तरह से हमने इसको समझा दिया है उसके बाद आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं आएगा तो चलिए अभी तरह से हम फोर्थ नंबर आंसर मेक अब सबसे पहले इसका हम जीरो पॉइंट नाइन 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 वाले पार्ट को बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जैसे कन्वर्ट होगा तो देखते हैं ये क्या सरप्राइजिंग फैक्टर्स देता है या नहीं देता तो सब सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन 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 और चूंकि आगे डॉट 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 है तो ऐसे करके हमने इसको इक्वेशन वन मान लिया अब आपको इसका पिछला वाला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट आपको याद होगा 0.666 वाला जिसमें मैंने आपको कांसेप्ट बताया था बस वही पूरा का पूरा कांसेप्ट हम यहां पर उतारने वाले हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 9 9 9 9 तो हमारा जो पहला टारगेट क्या है इस 9 को लेफ्ट साइड ले आना एक ही डिजिट है तो इसको ले आते तो इसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाईइंग both the sides by 10 we get तो जैसे टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू नाइन इधर आ गया लेफ्ट साइड तो अब भी उतनी नंबर ऑफ नाइन लिख सकते हैं हम कॉन्सेप्ट आपको बता रखा हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसीलिए आगे कितना बार भी नाइन आ सकता है अब यहां पर हमारा प्रोसीजर एकदम जो भी चीज लगाना था जो भी कंसेप्ट लगाना था सबका सब पूरा हो गया अब केबल केबल मैंने यह देखा कि डेसिमल के बाद यह दोनों ही सेम आ गया तो मैंने देखा सेम है तो हम क्या करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो यहां पर सेकेंड माइनस फर्स्ट जैसे माइनस किया तो यह आ गया टेन एक्स माइनस एक्स और यहां पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस और ये दोनों पार्ट न्यूट्रल तो बचा नाइन और इधर कितना हो जाएगा नाइन एक्स और एक्स इज इक्वल टू कितना आया वन अब ये वन पी बाई क्यू के फॉर्म में है ऑफ कोर्स है क्योंकि वन अपॉन वन लिख सकते हैं अब देखिए एक्स किसको हमने माना था इसको इसको तो तो हम क्या लिख सकते हैं अब इतना हमने कर लिया को ये ये जो था करने तो अब कर आर यू सरप्राइज बाई यसली जीरो पॉइंट नाइन 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 को जब हम की पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए क्या दे दिया वन तो क्या जीरो को जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो वन आता है that means क्या ये इसके बराबर होता है? तो अब कह पहले तो सरप्राइज तो हुआ ठीक है तो सरप्राइजिंग के बाद कह रहे किस में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस अब इसका भी मैं आपको सेंस बता देता हूं कि क्यों ये दोनों ही सेम सेंस देता है अब देखिए यहां पर एक राउंड फिगर अगर आप कंसीडर करते हैं तो देखते हैं कि राउंड फिगर करने के बाद उसका रिजल्ट क्या देता है तो देखिए अगर हम को राउंड फिगर करते हैं तो टेंस को राउंड फिगर करने का मतलब हो गया कि इस वाले को करूरोंग करूरोंग करूरोंग। तो नाइन फोर से अधिक मतलब फाइव और फाइव से अधिक होना चाहिए तो यह नंबर जीरो हो जाता पीछे एक आ जाता है तो अगर हम टेंस को अगर हम राउंड फिगर करते हैं तब भी वन देगा अगर हम हंड्रेड वाले को राउंड फिगर करते हैं इसको तो ध्यान से देखिएगा पीछे वाला ये वाला नंबर पूरा क्या नाइन है तो ये जीरो हो जाएगा और यह एक बढ़ जाएगा आगे। तो टेन तो टेन तो में फिर जीरो जैसे टेन कर जाएगा तो ये जीरो हो गया और फिर ये वन कहां चला जाएगा डेसिमल के इधर तो हमने ये चीज देखा कि चाहे आप टेंस को राउंड फिगर में डालिए या चाहे आप हंड्रेड को या थाउजेंड को आप किसी भी पोर्शन पे जाके उसको राउंड फिगर करिए तो ये हमेशा फाइनल फिगर वन ही देता है इसलिए ये कंप्लीट सेंस बनाता है और इसीलिए ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ठीक तो इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ वन अपॉन सेवन अब इसके बाद पूछ रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसके अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा आपको उसमें दिमाग लगाना है ना कुछ करना है सिंपली क्या करना है One को बीच में रखना है ठीक और सेवन को बाहर रखकर उसको डिवाइड कर देना है अब देखिए जैसे आप डिवाइड करेंगे वैसे क्या है देखिए डेसिमल डालेंगे डेसिमल डालने के बाद क्या करेंगे जीरो डालेंगे तो टेन हो जाएगा और टेन अभी भी सेवनटीन से कम है तो फिर क्या होगा फिर मैं एक बार जीरो डालूंगा फिर उसके बाद हम सेवेंटीन से लगाएंगे तो सबसे पहली बार लगेगा उसमें सेवनटीन के फाइव टेबल से तो अब क्या करेंगे फाइव जा लगाएंगे इसी तरह से ये आता जाएगा, फिर, फिर देखिए उसके आगे उसके, उसके बाद टू जा लगाएंगे फिर थ्री जा लगाएंगे फिर फाइव जा लगाएंगे फिर टू जा लगाएंगे फिर नाइन जा फिर फोर जा फिर वन जा फिर दोबारा रिपीट होगा वन जा से फिर उसके बाद सेवन जा उसके बाद फिर सिक्स जा फिर उसके बाद फोर जा और फिर आखिर में देखिए सेवन जा से लग रहा है और जैसे हमने सेवन से लगाया देखिए यहां से तो फिर से ये ओरिजिनल देखिए ओरिजिनल वन आ गया तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ये काउंट करिए काउंट करने से आ जाएगा वन टू डेसिमल के बाद काउंट कर रहा हूं जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 15, 16, और ये पूरा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा upon, ये याद रख लीजिएगा सेवनटीन तो का डिविजन केवल केवल लेंदी था उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का क्वालिटी वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग